हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.4 सम नंबर 5th, इसके थर्ड पार्ट के बारे में। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारे पास सम नंबर 5th है, थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 है। टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोस सेकेंड थीटा, राइट। तो आपने करना क्या है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। और मैंने आपको बोला है कि जितने भी सम हैं 8.4 एक्सरसाइज के फिफ्थ सम में, जितने भी पार्ट हैं सभी का सेम ही रूल है, ऑलमोस्ट सभी में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमें दोनों साइडें भी सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस है हमारे पास कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो मैंने आपको बोला है कि कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस का हो या माइनस का हो या अदर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, उससे पहले आपने करना क्या होता है, जो भी आपने साइड ले रखी है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेन थीटा आपको मालूम है, टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, टेन को चेंज कर देंगे साइन बाय कोस में, बाय में वन है, माइनस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बाय साइन थीटा। सेम यहां पर कोट क्या बन जाएगा, कोस बाय साइन थीटा। और यहां पर हमारे पास वन माइनस टेन है, टेन क्या बनेगा, साइन बाय कोस थीटा। तो आपका पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में आपने करना क्या है, जो भी यहां पर है, टेन है, कोट है, कोट है, टेन है, सबको क्या करना है, आपने साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना है। टेन इक्वल टू वैसे वन बाय कोट भी होता है, लेकिन मैंने क्या बोला है, इजीएस्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि साइन कोस आए तो बिल्कुल सम ईजी पड़ता है, राइट स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन बाय कोस में, और इस कोट को चेंज करेंगे कोस बाय साइन में, ये फार्मूला होता है, राइट। कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, और टेन साइन बाय कोस, ओके। तो इसके बाद में आपने ऑपरेट करना है, प्लस का साइन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाएंगे इसे। बिल्कुल ही सिंपल सम है, बट लेंथी जरूर है, ध्यान देंगे आप लोग। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा वैसे का वैसे रहेगा। इसमें क्या करना है, इसका आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे, वन माइनस कोस बाय साइन का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके। लेकिन रेसिप्रोकल करने से पहले क्या करेंगे, क्योंकि वन माइनस कोस बाय साइन है, यहां पर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा साइन, ठीक है। जब साइन एलसीएम आ जाएगा तो यहां बन जाएगा ये साइन माइनस कोस बाय साइन। फिर से स्टेप को सुन लो ध्यान से, वन के बाय में क्या है, वन के बाय में वन है, ठीक है। तो वन और साइन का एलसीएम रहेगा साइन, ठीक है। तो साइन की इस वन से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन माइनस कोस बाय साइन, ठीक है। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसका बनेगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप हमारे पास कौन सा बनेगा, कोस बाय साइन, तो ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। यहां पर भी आपने वही काम करना है जो यहां पर किया है, ठीक है। यहां पर एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम रहेगा कोस, कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां इससे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोस माइनस साइन बाय कोस, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस बाय, हाँ जी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान देंगे, क्या किया है मैंने इस केस में, क्या किया है, साइन बाय कोस को मैंने सेम रखा है, और यहां पर एलसीएम लिया है साइन, साइन एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, साइन माइनस कोस बाय साइन बन गया, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा साइन बाय साइन माइनस कोस। प्लस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, कोस बाय साइन को डिट्टो वैसे का वैसे ही छोड़ा है। फिर यहां पर मैंने एलसीएम लिया है कोस, ठीक है,
तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस माइनस साइन बाय कोस, इसका रेसिप्रोकल ये वाला आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा बाय, बाय में कोस की मल्टीप्लाई करनी है साइन माइनस कोस से, लेकिन आपने मल्टीप्लाई करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस करने के लिए हमें फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो टिपिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल एक बार वैसे का वैसे छोड़ो इसे, क्या करेंगे, कोस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, क्या किया आपने, साइन को साइन से मल्टीप्लाई की और इसको मैंने वैसे का वैसे ही रखा है, पहले भी मल्टीप्लाई थी इन दोनों की और अब भी मल्टीप्लाई है। कोस को कोस से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन को सेम मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन रिलेशन सेम रहेगा, पहले इनका रिलेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, अब भी इनका रिलेशन मल्टीप्लाई का ही रहेगा, तो साइन इंटू कोस माइनस साइन, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दो, तो अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये वाली टर्म और इस टर्म को प्लस करना है ना, प्लस का साइन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन होता है, ठीक है, उनमें से एक टर्म लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर कॉमन कौन सा है, यहाँ साइन माइनस कोस है, लेकिन ये कोस माइनस साइन है, तो मतलब फिलहाल तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अगर यहां से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो ये साइन है ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जब यहां से कोस माइनस साइन में से माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बनेगा, ये माइनस का साइन तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस का कोस हो जाएगा माइनस का, दिस विल बी साइन माइनस कोस। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां लाइन लगा लेते हैं। हाँ जी क्या करना है आपने, सुन लो दोबारा, कोस है, कोस को वैसे का वैसे ही एलसीएम में राइट करेंगे, ओके, और ये साइन है, साइन को वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोस माइनस साइन है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हो तो यहाँ साइन माइनस कोस हो गया, यहाँ भी साइन माइनस कोस है, ठीक है। तो साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस में कॉमन क्या हुआ, ये साइन थीटा माइनस, स्टूडेंट तो क्या करना है आपने ध्यान दें, यहाँ से देखें साइन माइनस कोस था, ये कोस माइनस साइन है, तो यहाँ से मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन निकाल लिया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन अगर माइनस का है तो मैंने क्या किया, प्लस को माइनस से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। इस स्टेप को आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन था, ओके, तो ये प्लस के साइन को मैंने माइनस के साइन में कन्वर्ट कर दिया। ये माइनस का साइन कहाँ से लिया है मैंने, मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है, ध्यान रखना, कोस माइनस साइन में से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ कोस माइनस साइन था तो यहाँ साइन माइनस कोस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का कोस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस सब में ये मेन स्टेप है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एलसीएम लेते टाइम देखते हैं ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, ठीक है, इन दोनों को ही एलसीएम में रख लेते हैं, वहाँ पर मुश्किल पड़ती है और सम का सोल्यूशन भी नहीं आता है। तो ध्यान देना फिर से, साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस बाहर आएगा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, साइन माइनस कोस ये कॉमन निकाल लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम लेना था ना, तो ये साइन माइनस कोस कॉमन है, यहां पर साइन माइनस कोस आएगा। इसके बाद क्या बचता है, ये साइन बच गया, यहां पर साइन लिख दो, ठीक है, ये कोस बच गया, कोस यहां पर लिख दो, यहां लिख दो, इसके पीछे लिख दो, यहां लिख दो, आपकी चॉइस है, यहां मर्जी लिखो,
ओके, तो हमारे पास ये एलसीएम में आएगा कॉमन, और प्लस में जो कॉमन नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल होता है, और कोस से कोस भी कट होता है, तो क्या बचता है, साइन बचता है। साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस का साइन वैसे का वैसे आएगा, साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ फार्मूला लगाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फैक्टर करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ध्यान दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर करने का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हाँ जी, प्लस में क्या आएगा, प्लस में ए बी आएगा। हाँ जी, ध्यान देना, ये फार्मूला था हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर करने का फार्मूला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, साइन को ए मानकर चलना है और कोस को बी मानकर चलना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यहाँ पर न्यूमिरेटर है ना इसका, वहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ए माइनस बी, मतलब क्या आएगा, साइन माइनस कोस ये हो जाएगा, इंटू में आएगा ए स्केयर, मतलब साइन का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में आएगा बी स्केयर, मतलब कोस का स्केयर हो जाएगा। हाँ जी, प्लस में क्या होगा, प्लस में ए बी है तो साइन इंटू कोस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ साइन डाल दो, मल्टीप्लाई में यहाँ कोस डाल दो। हाँ जी, बाय में हमारे पास क्या आएगा, बाय में क्या है, पहले पहले है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इंटू में क्या है, इंटू कोस थीटा है। ठीक है, सेम ही आ जाएगा, ये साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचता है साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, ये फार्मूला था बीच में, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर ये बन गया वन। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू वन मैंने फिल कर दी, फार्मूला है अपने पास, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू ये वन होता है। प्लस में क्या है, प्लस में है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा है, और बाय में अपने पास क्या है, बाय में ये वाला साइन आ जाएगा, इंटू में कोस बचा है तो कोस आएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है। ठीक है, प्लस से पहले वन है ना, वन के बाय में साइन कोस आएगा, और ये साइन कोस है, इसके बाय में तो साइन कोस आएगा ही आएगा, तो ये बन गया हमारे पास वन बाय साइन इंटू कोस थीटा। प्लस में हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाय में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, फिर से ध्यान दो, वन प्लस समथिंग है, साइन कोस है, तो वन के बाय में साइन कोस रहेगा, प्लस जो वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन कोस बाय में साइन कोस, तो साइन कोस से साइन कोस कैंसिल कर दो। हाँ जी, क्या बच रहा है हमारे पास, वन बाय साइन, वन बाय साइन क्या होता है, आपको मालूम होगा कि साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो वन बाय साइन मतलब कोसिकेंट इक्वल टू क्या हुआ, वन बाय साइन हुआ ना, तो वन बाय साइन की वैल्यू यहां पर फिल कर दो, वन बाय साइन क्या बनेगा, ये कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, वन बाय कोस भी है। ठीक है, तो वन बाय कोस के लिए आपको मालूम होगा कि कोस इंटू सीकेंट थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहां पर हमने वन बाय कोस निकालना है, तो सीकेंट थीटा इक्वल टू वन बाय कोस, तो मतलब 1 बाय कोस की वैल्यू क्या हुई, 1 बाय कोस की वैल्यू सीकेंट थीटा बनेगी हमारे पास। हाँ जी, प्लस में क्या है, प्लस में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने साइन कोस को साइन कोस से डिवाइड किया तो 1, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप ध्यान से देखो, हमने प्रूव कर दिया है, क्या फाइंड करना था, ये फार्मूले हैं जो मैंने बीच में राइट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, हमने प्रूव करना था 1 प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट, और ये क्या है, 1 प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट है, सेम है। ठीक है, तो 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, इट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट,
8.4 में मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स में से ये एक सम है, ध्यान देना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि 8th चैप्टर, ठीक है, वैसे तो कोई भी चैप्टर है अगर बेसिक क्लियर है प्लस फार्मूले आपको लर्न है, चैप्टर आसानी से आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ एक फार्मूले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो पहले प्लीज़ आप फार्मूले लर्न करें, उसके बाद इसकी ट्राई करेंगे तो आसानी से सम हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान दें, टेन थीटा बाय वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट बाय वन माइनस टेन इक्वल टू वन प्लस सीकेंट इंटू कोसीकेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर मैंने राइट कर दिया। इसके बाद टेन और कोट को मैंने साइन कोस की फॉर्म में चेंज किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहां पर हमारे पास साइन कोस आ गया, यहां पर कोस बाय साइन, कोट क्या होता है कोस बाय साइन, टेन क्या होता है साइन बाय कोस, ठीक है। इसके बाद साइन बाय कोस को मैंने वैसे का वैसे रखा, ठीक है। इसमें मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद मैंने इसे, ठीक है, ऊपर राइट किया है। नेचुरली बात है जब इस नंबर को या इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो नेचुरली बात है इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे, तो ये बनेगा साइन बाय साइन माइनस कोस। एलसीएम निकालने के बाद प्लस में क्या होगा, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन वैसे का वैसे ही सेम। यहां पर एलसीएम लो, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, कोस माइनस साइन बाय कोस, ये बन जाएगा कोस बाय कोस माइनस साइन, ठीक है। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर और बाय में कोस इंटू साइन माइनस कोस मैंने वैसे का वैसे राइट किया है, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और यहां पर क्या बनेगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर और ये साइन इंटू कोस माइनस साइन वैसे का वैसे ही राइट किया गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद कोस और साइन ये दोनों वैसे के वैसे ही आएंगे, ठीक है। सॉरी, उससे पहले मैंने क्या किया है, साइन माइनस कोस और ये कोस माइनस साइन था ना, इनको मैच किया है, मतलब यहां से माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लेकर बाहर रखूंगा तो प्लस को माइनस से डिवाइड करूंगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था ना, ये माइनस का साइन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये कोस माइनस साइन का बन जाएगा साइन माइनस कोस, ठीक है, ये माइनस हो गया यहां पर। अब आपने एलसीएम लेना है, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस एलसीएम में आ जाएगा और ये कोस और साइन वैसे के वैसे ही एलसीएम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये मैंने फार्मूला राइट किया था यहां पर, ठीक है, ये बीच में फार्मूला आया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ जी ये फैक्टर करने का फार्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस में था बी स्केयर और प्लस में ये है ए बी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अप्लाई करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी बाय जो भी एलसीएम है वैसे का वैसे ही राइट करेंगे। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल करेंगे, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होता है वन, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही और ये साइन इंटू कोस वैसे का वैसे ही राइट कर दो और बाय में साइन कोस को राइट कर लेंगे। इसके बाद वन बाय साइन कोस आएगा, ये रहा वन बाय साइन कोस, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, साइन कोस ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। साइन कोस को साइन कोस से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर वन आएगा और वन बाय साइन होता है कोसिकेंट के इक्वल, वन बाय कोस होता है सीकेंट के इक्वल, तो ये बन गया वन प्लस सीकेंट इंटू कोसिकेंट, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो भी हमारे पास 8.4 के सम नंबर फिफ्थ के पार्ट्स हैं, ठीक है, सभी में आपने क्या करना है, जो आइडेंटिटी दे रखी है उन्हें आपने प्रूव करना है। लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव कर दो, या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर दो, या दोनों साइडें आप सॉल्व कर लो, ठीक है। दोनों साइडें यहाँ पर इक्वल होती हैं, ठीक है, वहाँ पर राइट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सको। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से करेंगे आप लोग इसे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।